का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग पॉइंट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट आखिर होता क्या है, फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर किसे कहते हैं। आफ्टर इट सबसे मेन टॉपिक जो है ट्रांजिस्टर बायसिंग होने वाला है, जिसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, फिक्स्ड बेस बायसिंग, कलेक्टर बेस बायसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तीनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स नए हों वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सबसे पहला हेड डालेंगे आप लोग ऑपरेटिंग पॉइंट, हेड लगा लेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में हेड डाल लेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है बड़े ही ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझेंगे टोटल समझ में आएगा आपको। इसमें लिखेंगे when zero signal is applied to the जब जीरो सिग्नल अप्लाई किया जाता है ट्रांजिस्टर को, टू द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कामा देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ किसकी किसकी वैल्यू वी सी ई एंड आई सी आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट, वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। बात क्लियर हुई? अगर किसी भी ट्रांजिस्टर में जीरो सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब जो वैल्यू आती वी सी ई और आई सी ई की, वी सी ई यहाँ पर क्या बोलेंगे वी सी ई, ये वोल्टेज है कहाँ से कहाँ तक, कलेक्टर टू इमिटर, तो इसे बोलेंगे कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। और आई सी क्या है, कलेक्टर करंट है हमारा। बात क्लियर हो रही है? मतलब यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर किसी भी ट्रांजिस्टर में जीरो सिग्नल अप्लाई किया जाए तब वी सी ई और आई सी की वैल्यू हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाती है। वी सी ई क्या होता है हमारा कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज एंड आई सी हमारा होता है कलेक्टर करंट। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर आखिर होता क्या है। तो हेडिंग लगा लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर किसे कहते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर करंट में जो चेंज होता है ठीक, विद स्मॉल चेंज इन कलेक्टर बेस लीकेज करंट नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब कलेक्टर करंट में और कलेक्टर बेस लीकेज करंट में जो चेंजिंग आती है वही हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है, उसका रेशियो जो होगा स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। अर्थात हम लिखेंगे जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा यहां पर शो करा देंगे, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है हमारा वो किसके रेशियो के बराबर है, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर बेस लीकेज करंट, वो भी स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं जो कि हम डेल्टा लगाएंगे, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय दोनों हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इन कलेक्टर बेस लीकेज करंट। बात समझ में आ रही है, लीकेज करंट कलेक्टर बेस लीकेज करंट यही इसके कहने का मतलब है। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इज इक्वल टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट होता है हमारा आई सी, कलेक्टर करंट क्या होता है आई सी, वो भी चेंज इन कलेक्टर करंट है वो भी स्मॉल चेंज है, तो लिखेंगे क्या डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा चेंज इन कलेक्टर बेस लीकेज करंट। कलेक्टर बेस लीकेज करंट किसे बोलते हैं, आई सी बी ओ को, आई सी बी ओ हम दो लीकेज करंट पढ़ चुके हैं, एक आई सी बी ओ एक आई सी ई ओ, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है कलेक्टर बेस लीकेज करंट। मतलब यस इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई सी बी ओ, नोट कर लीजिए।
सिंस वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, होता क्या है आप सभी जानते हो, एक पॉइंट याद हुए आपको, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा की क्या वैल्यू आती थी, बीटा की क्या वैल्यू आती थी एंड गामा की क्या वैल्यू आती थी, सबको याद होगा। अल्फा जो आता था हमारा, याद हो अगर आपको, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपान आई ई। इसी प्रकार जो बीटा आता था वो आई सी अपान आई बी, बट जो गामा आता था दैट इज इक्वल टू आई ई अपान आई बी आती थी। बट हमें यूज करना है ये वाला, तो इन सभी को हम इग्नोर करेंगे, हम यूज करेंगे अल्फा बराबर आई सी अपान आई ई। तो यहाँ से अगर हम आई इसी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, आई सी की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, अल्फा आई ई प्लस में आई सी बी ओ, होगा कि नहीं होगा। अब ये कहाँ से आया, इसको भी स्किप करो, आई सी वैल्यू निकालेंगे अल्फा आई, बस इतना समझो। जब वहाँ पर हमने फॉरवर्ड बायसिंग हटा दी थी, सिर्फ रिवर्स बायसिंग लगाई थी, तो वहाँ पर दो लीकेज करंट मिले थे, एक आई सी ई ओ एक आई सी बी ओ। तो ये वाले टॉपिक में हमें मिला था आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, आप जाकर लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट पिछले वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक। तो ये चैप्टर यहाँ तक तो हमारा बात क्लियर हुआ, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, अल्फा आई बराबर क्या होता है, आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी, आई की जगह पर यही तो लिखेंगे प्लस में आई सी बी ओ, आई सी बी ओ, क्लियर। अब आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आई सी वाला टर्म है, एक तरफ कर लेंगे, पहले आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, अल्फ़ा आई बी प्लस अल्फ़ा आई सी प्लस में आई सी बी ओ, ये हुआ आई सी की वैल्यू। अगर आप आई सी वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा आई सी माइनस अल्फ़ा आई सी इक्वल टू, ये बचेगा हमारा अल्फ़ा आई बी प्लस में आई सी बी ओ। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आई सी हमारा कॉमन है, आई सी कॉमन है, इधर बचा वन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा आई बी प्लस में आई सी बी, बचा कि नहीं बचा। यहाँ से आप आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे, आई सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर वन माइनस अल्फ़ा डिवाइड होगा, तो इधर बचेगा अल्फ़ा अपान वन माइनस अल्फ़ा इंटू में आई बी प्लस वन अपान वन माइनस अल्फ़ा इंटू में आई सी बी ओ। ये बचेगा हमारा अल्फ़ा अपान वन माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, हम लिखते क्या थे, बीटा। आपको अगर रिलेशन नहीं याद है तो आप जाकर देख लीजिए, रिलेशन हमने ऑलरेडी बताया जस्ट पिछले वाले चैप्टर में, बीटा आई बी प्लस में वन अपान वन माइनस अल्फ़ा क्या लिखते हैं, वन प्लस बीटा, या फिर गामा लिखते हैं, गामा को ही बोलते हैं वन प्लस बीटा। तो ये हम डायरेक्ट वहाँ पर भी प्रूफ कराए थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते थे, बट हमने सोचा कि अगर आपको न पता हो हम एक बार फिर से प्रूफ करा देंगे। आई सी की वैल्यू ये निकली, तो दोनों वैल्यू हमने याद की थी, एक तो आई सी बराबर अल्फ़ा आई प्लस आई सी बी ओ, बीटा के टर्म में था बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी बी ओ, लेकिन हमने फिर से इसलिए प्रूव करा दिया ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे आई सी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी, लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी। आई सी के टर्म्स में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आई सी के ही रिस्पेक्ट में। तो आई सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी डी आई सी ऑफ आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी है, तो बीटा तो हमारा टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, आई बी का क्या हो जाएगा हमारा, डी आई बी अपान डी आई सी, बट पढ़ने का इसका तरीका है डी डी आई सी ऑफ आई बी, इस प्रकार पढ़ा जाता है, प्लस में वन प्लस बीटा भी हमने बाहर कर लिया, वन प्लस बीटा, बचा क्या हमारा, क्या आई सी बी ओ, बचा क्या आई सी बी ओ, तो ये भी हमारा हो जाएगा डी आई सी बी ओ डिवाइड बाई क्या बचेगा हमारा, डी आई सी। अब इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, आई सी का आई सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पर बचा
डीआईबी अपान डीआईसी प्लस में 1 प्लस बीटा। अब देख रहे हैं डीआईसीबीओ अपान डीआईसी, इसकी वैल्यू क्या है आपने ऊपर अभी भी देखा, ये देखिए डीआईसी अपान डीआईसीबीओ की वैल्यू होती है यस, और ये जस्ट उसका उल्टा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपान यस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? देखो आईसी अपान आईसीबीओ की वैल्यू थी यस, उसकी वैल्यू थी यस, हमने जस्ट उसका उल्टा कर दिया बस, और क्या था ठीक। तो अब ध्यान से और समझिएगा, हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, इधर इधर हमने क्या किया टोटल का एस का एलसीएम ले लिया। जब एस का एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर बचा क्या, यस बीटा आई बी अपान, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, हमने लिया यस को एलसीएम, ये थोड़ा नीचे कर लेंगे, हमने लिया यस को एलसीएम, तो ये बचा हमारा यस, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा बीटा डी आई बी अपान डी आई सी प्लस में यस, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया है, क्या बचेगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू में 1, तो ये यस इधर आ जाएगा, यस हमारा इधर आ जाएगा इक्वल टू यस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी प्लस में 1 प्लस बीटा, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। हम क्या करेंगे यस वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, यस माइनस यस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू में 1 प्लस बीटा ठीक। अब हम क्या करेंगे, यस को हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या हमारा 1 माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू में 1 प्लस बीटा, ये तो बचा हमारा लास्ट, हमारा पॉइंट जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, यस की वैल्यू जो आएगी मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई, ये हमारा नीचे आ जाएगा 1 माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी, ये वैल्यू आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमेशा यूज होगा इसका, लगभग लगभग हमेशा इसका यूज होने वाला है, टेंशन ना लीजिए ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीन शॉट, टेक ए स्क्रीन शॉट सुन, टेक ए स्क्रीन शॉट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग की, नोट कर लीजिए फटाफट से, चलिए बात कर लेते हैं अब ट्रांजिस्टर बायसिंग की। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें तीन मोस्ट, मतलब ये तीन मोस्ट टाइप के होते हैं, फिक्स्ड बेस बायसिंग, कलेक्टर बेस बायसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, मतलब तीनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फिक्स्ड बेस बायसिंग के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर हम कलेक्टर टू बेस बायसिंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के बारे में ऑलरेडी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड बेस बायसिंग की, इसे एक नाम से और जाना जाता है फिक्स्ड बेस रजिस्टर बायसिंग, इसे एक नाम से और जाना जाता है, लिख लेंगे आप लोग फिक्स्ड बेस रजिस्टर बायसिंग, फिक्स्ड बेस रजिस्टर बायसिंग, चाहे फिक्स्ड बेस बायसिंग बोले चाहे फिक्स्ड बेस रजिस्टर बायसिंग बोले, बात एक ही है, क्लियर, बात हमारी एक ही, चाहे दोनों में से चाहे जो हम बोले। तो यहां पर हम फिगर में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, हमने यहां पर VCC लगाया हुआ है ठीक, आप इधर VCC जोड़ दीजिए, इसको यहां से हटा देंगे, यहां पर देख लेंगे VCC हमने इधर लगाया, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा हमारा निगेटिव टर्मिनल, क्लियर, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल। उसके पश्चात हम क्या किए, एक हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया, आपको ट्रांजिस्टर पहचानने के सबसे तरीका ये है, जैसे जैसे आपको दिया गया अगर यहाँ से लेकर इस प्रकार ये जा रहा है तो ये NPN है, क्यों, NPN में करंट किधर से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है ना, अगर कुछ इस प्रकार दिया रहे तो ये हमारा PNP है, PNP क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होता है, तो ये किधर दिया जा रहा है, बेस टू इमिटर, मतलब ये क्या है हमारा NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, ये हमने कलेक्टर करंट लगाया हुआ है, ये हमने इमिटर जिसको हम बेस पे कर देते हैं, तो उधर कोई रजिस्टर लगाने की आवश्यकता है नहीं, अगर किसी बुक में दिखाया भी जाता है तो R इक्वल टू करके 0 दिखा दिया, मतलब कोई भी उधर रजिस्टर नहीं है, इधर एक RB लगाया गया है रजिस्टर।
अब हम ध्यान देंगे, हम कुछ स्टेप यहाँ पर रखेंगे। मान लेते हैं ये स्टेप हमारा वन है, ये स्टेप हमारा वन है। हम क्योंकि अभी नाम देंगे तो इसलिए हम स्टेप वाइज रख रहे हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट क्लियर हो। ये मान लेते हैं हम स्टेप वन है, ये हमारा है स्टेप टू, ठीक, ये थ्री, फोर, ये रहा फाइव, एंड ये हमारा पॉइंट है सिक्स और इस प्रकार से। अभी हम अप्लाइंग केवीएल करेंगे, मतलब केवीएल अप्लाई करेंगे इसमें, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, करंट, अगर करंट का डायरेक्शन आप लोग देखना चाहें करंट कैसे फ्लो हो रहा है तो देखेंगे, ये हमारा आरसी, आरसी में करंट आईसी फ्लो हो रहा है, आईबी है, आरबी है, तो आईबी करंट हमारा इधर बेस टर्मिनल से फ्लो हो रहा है। ई में कोई करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि आई हमारा जोड़ दिया गया किससे, इधर ये बेस से, एक प्रकार से आप अर्थ से जोड़ दिए जो कि हमारा न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पर आरसी क्या है, कलेक्टर रेजिस्टेंस लिख लेंगे, आरसी इज कलेक्टर रेजिस्टेंस, आरबी क्या है बेस रेजिस्टेंस, आरबी इज इक्वल टू बेस रेजिस्टेंस, और आर ई जो है हमारा दैट इज इक्वल टू इमीटर रेजिस्टेंस, क्या है इमीटर रेजिस्टेंस, दैट इज ए इमीटर रेजिस्टेंस, ठीक। अगर इसमें कुछ पॉइंट आप लोग लिखना चाहें, तो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम में आए तो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो लिखेंगे आप लोग, इट इज ट्रांजिस्टर नेटवर्क इन कॉमन इमीटर कनेक्शन, लिख लेंगे इट इज ए ट्रांजिस्टर नेटवर्क, कहा क्या जा रहा है, इट इज ए ट्रांजिस्टर नेटवर्क इन कॉमन इमीटर कनेक्शन। ये एक ट्रांजिस्टर नेटवर्क है जिसमें जो इमीटर देख रहे हैं, ये हमारा जो इमीटर है वो क्या किया गया कॉमन, ये देख पा रहे हैं जो इमीटर है वो कॉमन किया गया, कॉमन मतलब इसे हमने बेस से जोड़ दिया। तो ये क्या है, एक जो फिक्स्ड बायसिंग है हमारा, फिक्स्ड बेस बायसिंग, इसमें जो इमीटर है वो हमारा कॉमन लिया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक, विच टू बैटरी रिप्लेस बी सिंगल बैटरी VCC ऑफ द सिस्टम। अभी तक आप देख रहे थे दो बैटरी लगाई जा रही थी, जैसे कोई ट्रांजिस्टर हुआ करता था, एक को हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते थे, ये मान लो कोई ट्रांजिस्टर हुआ करता था ऐसे कुछ हमारा, एक को हम क्या करते थे फॉरवर्ड बायस में जोड़ते थे, एक को हम करते थे फॉरवर्ड बायस में जैसे भी था, और एक को हम रिवर्स बायस में जोड़ते थे, मतलब एक फॉरवर्ड हुआ करता था एक रिवर्स, दो बैटरी हमारी यहाँ पर यूज होती थी। बट हम अब दो बैटरी को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा VCC है, जो कि हमारा कितना है VCC, सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी आप यूज करेंगे ऑफ द सिस्टम। इट कंसिस्ट ए बेस रजिस्टर बिटवीन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस एंड बेस इमिटर वोल्टेज कीपिंग बेस इमिटर जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। मतलब ये कहा जा रहा है VCC जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट ए बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर क्या है RB, बेस रजिस्टर क्या है हमारा RB, इसकी बात की जा रही है। बेस रजिस्टर कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किस में है रिवर्स बायस, अर्थात ये देखिएगा ये कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रहा हमारा कलेक्टर और ये रहा हमारा बेस, मतलब कलेक्टर और बेस की बात हो रही है, ये एक हमारा कलेक्टर है दूसरा हमारा बेस है, इसकी बात की जा रही है। तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन कब रिवर्स बायस है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर ये कुछ ऐसे बनाए, देखिएगा ऐसे बना है इस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर NPN, और ये जो जोड़ा जा रहा है ये देख रहे हैं VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जा रहा है, VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से ये जोड़ दिया जा रहा है, देख पा रहे हैं ना, इसको हमने कॉमन किया है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं ये जो ये टर्म है बेस है हमारा और ये जो टर्म है वो हमारा कलेक्टर है। तो कलेक्टर बेस टर्मिनल हमारा किससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एन है, निगेटिव वाला हमारा जुड़ा रहा है पॉजिटिव से, तो ये क्या होगा रिवर्स बायस होगा। तो यही बताया जा रहा है कंसिस्ट बेस रजिस्टर बिटवीन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, एंड बेस इमिटर वोल्टेज कीपिंग बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, और बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और ये जो इमिटर हमारा यहाँ पर क्या लियो इमिटर लियो ना, यहाँ पर अगर पॉइंट आप डिनोट करना चाहें तो ये पॉइंट क्या है इमिटर है, ये पॉइंट हमारा इमिटर है, तो
इमिटर यन है, निगेटिव को आप निगेटिव से जोड़ रहे हो तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस बोला जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और आप इस निगेटिव को इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो तो ये क्या बोला जाएगा, हमारा फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम चलते हैं अप्लाइंग केवीएल, हम केवीएल अप्लाई करेंगे इसमें, मतलब इस सर्किट में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल, यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाइंग केवीएल अप्लाइंग केवीएल मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ सबको अप्लाई करना आता है, ट्वेल्थ में भी पढ़े हो, इलेवंथ में भी अप्लाई किए थे, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत ज़्यादा पढ़े हो आप लोग, सेकेंड ईयर में तो शायद किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में इतना विशेष नहीं था, तो मतलब फर्स्ट ईयर तक खूब पढ़े हो आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हालांकि ये यूज हमेशा होता रहता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सर्किट या मेस बोलें जो भी, सर्किट किस सर्किट में हम अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर पॉइंट नाम दे देंगे, हम ये सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1, ये इस प्रकार से हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा, हम कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 1, मतलब इस प्रकार से चारों ओर, इसके चारों तरफ, मतलब बाहर बाहर हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, इसके बाहर बाहर क्या करेंगे हम लोग, केवीएल अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं केवीएल किस प्रकार आप लोग अप्लाई करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो केवीएल अप्लाई करना सबको पता है, क्या करोगे, ये बाहर वाली बैटरी जोड़ी गई है वीसीसी, जब वीसीसी जोड़ा गया तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि आप इधर पॉजिटिव टर्मिनल से चल रहे हो, इस प्रकार आप चल रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए प्लस में होगा, प्लस में वीसीसी, प्लस में वीसीसी। फिर हम पहुंचते हैं बाहर, इधर कोई सर्किट नहीं है, हम पहुंचते हैं इस सर्किट में, यहाँ पर देखिए आने के पहले करंट पॉजिटिव, जाने के बाद करंट निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या होगा, करंट आई वी यहाँ पर फ्लो हो रहा है, करंट हमारा आई वी फ्लो रहा है, और यहाँ पर रजिस्टर जो है वो हमारा आर बी है, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वहाँ पर वोल्ट निकाला जाता है, क्योंकि ये बैटरी था वी सी सी, तो यहाँ पर वी बराबर आई आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आई बी आर बी, आई बी मतलब बेस करंट और बेस रजिस्टर, आई बी इंटू आर बी, आई बी आर बी, ठीक इतना हुआ। फिर आगे चल के हम यहाँ पर पहुँचे वी बी ई की तरफ, क्योंकि बाहर सर्किट में इस बेस और इमिटर के बीच में वी बी ई लगा है, वी सी तो ही कलेक्टर इमिटर के बीच में लगा था, अगर हम इसे 1 2 3 6 1 की बात करते तब के लिए वी सी यूज होता, लेकिन हम बात करें 1 2 3 4 5 6 1 की, तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बाहर वाला यूज होगा, बेस इमिटर वोल्टेज वी वी, तो ये भी आने के पहले पॉजिटिव, जाने के बाद निगेटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस वी बी ई, बेस इमिटर, कहीं कहीं कैपिटल ई भी डिनोट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इक्वल टू में 0, यही तो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे तो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर आप आई बी आर बी की वैल्यू निकाल लो, आई बी आर बी इज इक्वल टू, आई बी आर बी को हम राइट साइड ले गए, यहाँ पर बचा क्या वी सी सी माइनस में वी बी ई, यही तो बचेगा ना वी सी सी माइनस वी बी ई, यहाँ से अगर हम आई बी की वैल्यू निकालें, आई बी इक्वल टू ये बचेगा हमारा वी सी सी माइनस में वी बी ई डिवाइड बाई आर बी, यही तो बचने वाला है। सिंस यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, जो वी सी सी है मतलब ये वाला जो हमारा वोल्टेज है ये बेस इमिटर वोल्टेज की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लिखेंगे सिंस वी सी सी, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस वी सी सी इज मच ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा वी बी ई, बेस इमिटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा होता है तो आप करेंगे क्या, वी सी सी में से अगर वी बी घटाएंगे, जैसे मान लो वी सी सी की वैल्यू अगर 1000 वोल्ट माइनस वी बी ई की वैल्यू मान लो 2 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट करेंगे कितना आएगा 998 वोल्ट, कितना अंतर आया, बहुत कम अंतर आया, तो इसलिए उसमें से अगर हम घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं दिखने वाला, हम क्या करेंगे आई बी की वैल्यू हमारी निकलेगी आई बी इज इक्वल टू वी सी सी अपान में आर बी, जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी है वी बी की तो क्या करेंगे हम उसको लगभग निगलेक्ट मान लेंगे, तो आई बी की वैल्यू हमारी मिली वी सी सी अपान आर बी। अब इसके लिए मतलब हम बेस
सॉरी फिक्स्ड बेस बायसिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा, तो आप निकाल लेंगे इसके लिए भी स्टेबिलिटी फैक्टर। चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं इसके लिए। तो आइए देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग भी लगा सकते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर हम निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। सिंस हमें वैल्यू कितनी मिली है, ऊपर आप देख पा रहे हैं हमें वैल्यू कितनी मिली है, आई बी इज इक्वल टू वी सी सी डिवाइड बाई आर बी, इतनी वैल्यू हमें ऑलरेडी मिली हुई है। ठीक, अगर हम यहाँ से वी सी सी की वैल्यू निकालना चाहें, ये देखिएगा वी सी सी की वैल्यू निकालना चाहें, तो यहाँ से आप देख सकते हो वी सी सी की जो वैल्यू आएगी ये आई बी आर बी हो जाएगी। ये देखिएगा आई बी इंटू में आर बी, यही तो होगा वी सी सी की वैल्यू। अगर अब हमें निकालना है स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर फार्मूला होता है एस इक्वल टू बीटा प्लस वन, अभी अभी हमने आपको बताया वन माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी, यही तो होता है, चाहे आप स्मॉल भी लिखिए चाहे आप कैपिटल भी लिखिए, आपकी इच्छा है। तो आई बी की वैल्यू मिली, अगर हम डी आई सी निकालें मतलब आई सी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें इक्वेशन का, हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएटिंग हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करिए कितना मिलेगा हमको, ये आर बी तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, आर बी बाहर हो जाएगा, इनटू डी आई बी अपान डी आई सी इज इक्वल टू वी सी सी का आई सी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, जीरो बचेगा। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, जीरो, क्योंकि आर बी भी जाएगा और जीरो अपान आर बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी आई बी अपान डी आई सी की वैल्यू मिल गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर लिख लेंगे सिंस जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर यस इज इक्वल टू बीटा प्लस वन डिवाइड बाई, ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी आपको लगाने में आसानी होगी, वन माइनस बीटा डी आई बी अपान में डी आई सी। तो ये निकलेगा हमारा बीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये देखेंगे बीटा इंटू जीरो, बीटा इंटू डी आई बी अपान डी आई सी की वैल्यू ये क्या है हमें, जीरो मिली है, जीरो। बीटा इंटू जीरो करेंगे क्या मिलेगी, जीरो आया क्या, बीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन आया क्या हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू बीटा प्लस वन, ये चीज स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा आया बीटा प्लस वन। नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा कितना आया बीटा प्लस वन। अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड बेस बायसिंग का एडवांटेज क्या था और क्या इसका डिसएडवांटेज था। चलिए पढ़ लेते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इतना नोट करिए फटाफट से, क्लियर। चलिए हेडिंग लगा लेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या था फिक्स्ड बेस बायसिंग। हालांकि जो थर्ड वाला हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, सबसे ज़्यादा करेक्ट भी वही था और वही यूज भी होने लगा, क्योंकि ये सब उतने करेक्ट नहीं थे। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे, या लास्ट तक आप देखते रहेंगे ना आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप एडवांटेज समझिएगा, एडवांटेज का पहला पॉइंट क्या कहता है, एडवांटेज में कहता है कि इट इज़ वेरी सिंपल। इसका एडवांटेज यह था कि ये बहुत सिंपल था, इट इज़ वेरी सिंपल भाई, सिंपल तो है ये, आपने देखा कितना आसानी से ये आ गया, कितना आसानी से, ये देखिएगा कितना आसानी से, एकदम छोटा सा ये छोटा सा था आ गया हमारा ये पूरा, इतना आसानी से, इतना छोटा सा था तो सिंपल नहीं हुआ तो और क्या हुआ, वेरी सिंपल। तो ये बहुत सिंपल था, ये इसका एडवांटेज था। दूसरा पॉइंट क्या है इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज जो था वो दूसरा पॉइंट ये था कि नो बैड इफेक्ट ऑफ बायसिंग सर्किट, ठीक, नो लोड इफेक्ट ऑफ बायसिंग सर्किट, बायसिंग सर्किट पे कोई लोड इफेक्ट नहीं था, कोई सा भी लोड इफेक्ट नहीं था, लिख लेंगे नो लोड इफेक्ट ऑफ बायसिंग सर्किट, ठीक, कोई भी लोड इफेक्ट नहीं था, ये सब इसका एडवांटेज था। बट अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की,
सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज की बात कर लें तो इसका डिसएडवांटेज भी था। अब डिसएडवांटेज क्या था वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये था कि इट प्रोवाइड्स पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर, ये अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं प्रोवाइड कर पाता था। तो लिख लेंगे इट प्रोवाइड्स पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर, पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर आप देख पा रहे हैं इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आ रहा है। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा यस इक्वल टू बीटा प्लस वन आ रहा है, ये देखो, जो कि पुअर है। सबसे अच्छा वन होता है, तो जब हमारा वन आ जाएगा तो हमारा परफेक्ट होगा, और वो हमारा आएगा किसमें, वोल्टेज डिवाइडर में। तो इट प्रोवाइड पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर। एंड सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा इसका डिसएडवांटेज था। जो ऑपरेटिंग पॉइंट था इसका, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो चेंज हो रहा था ऑपरेटिंग पॉइंट, चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे इसका ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा था। बात क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आया? चलिए, सो आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, एडवांटेज समझ में आया कि इट इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल होता है, सबसे पहली बात तो यही थी कि ये बहुत सिंपल होता था, ठीक। इट इज़ वेरी सिंपल एंड नो लोड इफेक्ट ऑफ बायसिंग सर्किट, ये था इसका एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज था कि इट प्रोवाइड पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर एंड ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता था, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट ही चेंज हो जाता था। पहली चीज़ तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छा नहीं दे पाता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे ही इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता था, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाता था। तो ये इसका एडवांटेज निकल के आया, जो कि काफ़ी डिसएडवांटेज था। इसलिए हम दूसरे बेस बायसिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो हमारा बायसिंग आती है वो हमारा है कलेक्टर टू बेस बायसिंग, जिसे आप बोलते हो फीडबैक रजिस्टर मेथड। इसी को आप बोलते हो फीडबैक रजिस्टर मेथड। बात क्लियर? इसका फिगर कैसा है, थोड़ा सा उससे चेंज है। इसका फिगर जो आता है वो थोड़ा सा उससे चेंज है। आइए देखते हैं इसका फिगर। यहाँ पर हमारा इमीटर जो है वो बेस लिया गया है, जो कि अर्थ से जोड़ा गया, आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। जो RC है, कलेक्टर रजिस्टर, यहाँ पर दो करंट हमारा फ्लो हो रहा है। एक तो हमारा IC प्लस IB, मतलब दो करंट यहाँ पर फ्लो होगा, IC प्लस IB। यहाँ से जब IC प्लस IB प्रवेश करेगा तो कलेक्टर करंट से, मतलब जो सी में कलेक्टर टर्मिनल में हमारा IC चला जाएगा। एंड ये देख पा रहे हैं ना, कलेक्टर टर्मिनल में हमारा IC चला जा रहा है एंड IB हमारा इस तरह से आगे बढ़ेगा और IB इस प्रकार से मूव करेगा। मतलब IB प्लस IC आया, IC कलेक्टर टर्मिनल में चला गया, IB जो है हमारा बेस टर्मिनल में चला गया। बस इतना ही बताया गया अभी तक, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा एक प्रकार का NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा है? NPN। कैसे मालूम चला? ये बाहर की तरफ डायरेक्शन है, हम जानते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा दिया, VB बेस इमिटर वोल्टेज हमने लगाया हुआ है, क्लियर। यहाँ पर हम अगर हम पॉइंट डिनोट करना चाहें पॉइंट भी डिनोट कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट डिनोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, डोंट वरी। यहाँ पर मान लीजिए आप, ये पॉइंट वन है, ये वाला पॉइंट टू है, ताकि हम अप्लाइंग करेंगे किरचॉफ वोल्टेज ला, 1 2, फिर ये हमारा पॉइंट मान लीजिए 3 4, ये हमारा 0.5, ये हमारा 6 और फिर 1। इस प्रकार से हम बाहर ही इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो आपका कलेक्टर एंड बेस जंक्शन जो है, देख पा रहे हैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, ये रिवर्स बायस है, क्योंकि ये N है, इट इज़ ए N, ये N है, निगेटिव को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा कलेक्टर टू बेस टर्मिनल जो है, जो सर्किट है, ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पॉइंट में, जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, बेस जंक्शन वो होगा हमारा, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ए रिवर्स बायस। और जो हमारा कौन सा नेक्स्ट है, हमारा बेस इमीटर जंक्शन
सेम एज जैसे पहले हुआ करता था हमारा, ये जो जंक्शन होगा इट इज़ ए फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये जो देख रहे हैं जो निगेटिव टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल से ही जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इट इज़ ए फॉरवर्ड बायस। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो लिख लेंगे अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सर्किट, किस सर्किट में हम अप्लाई कर रहे हैं, इन सर्किट 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1, इस सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इस तरफ से हम मूव करें इस तरफ से, तो इधर हमारा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वीसीसी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे पॉजिटिव वीसीसी प्लस का वीसीसी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर इस टर्मिनल पर, यहाँ पर जो रजिस्टर है वो आरसी है, बट करंट जो है हमारा आईसी प्लस आईबी। हम जानते हैं वी बराबर होता है आई इंटू में आर, तो यहाँ पर आई कितना है आईसी प्लस में आईबी इंटू में आरसी, यही हो जाएगा हमारा वोल्टेज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस में, कितना होगा हमारा आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस आईबी इंटू में आरसी। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, यहाँ पर पहुँच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम कलेक्टर की तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि हम 3 4 5 6 में लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेस वाले टर्मिनल पर, तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं इस वाले टर्मिनल पर, तो यहाँ पर रजिस्टर है आर बी और करंट है आई बी, तो यहाँ पर आने से पहले पॉजिटिव जाने के बाद निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस आई बी आर बी। क्लियर, आगे फिर चलते हैं, ये 5 के बाद 6 पे आते हैं, तो यहाँ पर बेस इमिटर वोल्टेज लगा हुआ है जो कि आने के पहले पॉजिटिव जाने के बाद निगेटिव में हो जाएगा, तो ये माइनस वी बी ई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा ना, ठीक, बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वेरी 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 सिंपल। यहाँ से हम करेंगे क्या, आई बी आर बी की हम वैल्यू निकालेंगे, आई बी आर बी उस साइड राइट साइड ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, क्योंकि आपको आई बी अपान आई सी निकाली तभी आप स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल पाओगे, तो यहाँ पर निकालोगे आई बी आर बी इज इक्वल टू, जो उधर करोगे क्योंकि ये राइट साइड लिए हो बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा वी सी सी माइनस में आई सी प्लस आई बी इंटू में आर सी माइनस में वी बी ई, बस इतना। क्लियर, तो यहाँ पर आप पॉइंट समझेंगे, जो बेस करेंट होगा क्योंकि कलेक्टर करंट में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये बेस से बहुत कम करंट फ्लो होगा, तो ये ज़्यादातर हमारा आई सी इज मच ग्रेटर देन आई बी। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस आई सी इज मच मच ग्रेटर देन आई बी एंड जो वी सी सी है दैट इज ए मच ग्रेटर देन वी बी ई। यहाँ पर दो पॉइंट नोट करने लायक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे ये कोई याद करने का तरीका नहीं है कि ये सॉरी याद करने का नहीं है कि मतलब आपको याद करने की आवश्यकता है, बट क्या है समझना है सिर्फ एक प्रकार से कॉमन सेंस। तो आप करोगे क्या यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए बेस करंट जो होगा वो बहुत कम अप्लाई होगा कलेक्टर की अपेक्षा, इसी प्रकार से जो आप यहाँ पर वी सी सी लगाओ, इधर आप वी सी सी लगाओ ना, वी सी सी जो वी सी सी है वो बी वी की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो वी सी सी में वी बी घटाएंगे तो कुछ अंतर नहीं मिलेगा, ऐसे वी सी सी प्लस आई बी करेंगे, जैसे मान लो सॉरी आई सी प्लस आई बी करेंगे तो आई सी बहुत ज़्यादा है आई बी बहुत कम है, तो उसमें से अगर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, इसलिए हम क्या करेंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमें मिले क्या आई बी आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस, ये आई बी भी निगलेक्ट हो जाएगा तो बचे क्या आई सी आर सी और वी बी ई भी हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर निगलेक्टिंग कौन सा वी सी सी सॉरी वी बी ई एंड आई बी, वी बी ई और आई बी को हम क्या करेंगे यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। बात क्लियर हो रही है ना सबको, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू किसके निकालेंगे आई बी की, किसकी वैल्यू निकालेंगे आई बी की, तो आप आई बी की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, आई बी की जो हमारी वैल्यू फाइनली मिल जाएगी ये क्या मिलेगी आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस में आई सी आर सी डिवाइड बाई आर बी, ये वैल्यू हमें मिलेगी, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अब हम इसके लिए भी निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, तो हेड लगा लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट से,
हेडिंग लगा लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। हम लिखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा? स्टेबिलिटी फैक्टर क्या ये उससे अच्छा निकलेगा या फिर कम अच्छा निकलेगा, उससे पुअर निकलेगा, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हमें आई बी अपान आई सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आई बी अपान आई सी की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आप यहाँ पर डिनोट करेंगे कि इसे आई सी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी, हम आई सी के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले इक्वेशन मतलब इस वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो आई बी की वैल्यू जो आएगी आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे, वो आएगी डी आई बी डिवाइड बाई डी आई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर आर बी जो है वो कॉन्स्टेंट है हमारा 1/r आर बी बाहर कर लिया जाएगा, वी सी सी का डिफ्रेंशिएशन 0 आई सी के रिस्पेक्ट में माइनस आर सी हमारा कॉमन है आर सी कॉमन कर लीजिएगा, आई सी के रिस्पेक्ट में आई सी का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी आई सी अपान डी आई सी जो कि 1 हो जाएगा, मिले क्या हमको 1 अपान आर बी और ये मिला हमको माइनस में आर सी, आया फाइनली हमारा क्या आर सी अपान आर बी, वो भी निगेटिव में डी आई बी अपान डी आई सी, डी आई बी अपान डी आई सी की वैल्यू हमें इतनी मिली डी आई सी। ये अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। हम जानते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर यस इक्वल टू होता है यस इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा इंटू में डी आई बी अपान डी आई सी, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, जहाँ बीटा रखेंगे डी आई बी अपान डी आई सी जहाँ रखेंगे माइनस में आर सी अपान में आर बी, तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस बीटा आर सी अपान आर बी। देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम बीटा प्लस 1 में से इस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, बीटा प्लस 1 में से इस वैल्यू को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तब जाकर वो स्टेबिलिटी फैक्टर के बराबर आ रहा है, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर हिंस करके लिख सकते हैं जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन बीटा प्लस 1 होगा, बीटा प्लस 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इतनी वैल्यू से डिवाइड करो तब जाकर यस के बराबर आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यू से आप डिवाइड करो तब जाकर यस के बराबर आ रहा था, अर्थात यस जो है वो बीटा प्लस 1 से बड़ा है, वो बीटा प्लस 1 से बड़ा है, ये पॉइंट मिला। तो वहाँ पर क्या मिला था यस इक्वल टू बीटा प्लस 1, आप देख लीजिए इसके पहले जो हमें मिला था यस इक्वल टू बीटा प्लस 1 मिला था, ये देखिए यस इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो ये पुअर हमारा एक प्रकार से स्टेबिलिटी फैक्टर देता था, ठीक ये पुअर स्टेबिलिटी फैक्टर देता था, बट ये भी हमारा उतना अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं देता लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा देता है, बीटा प्लस 1 जो है बीटा प्लस 1 पुअर था लेकिन ये बीटा प्लस 1 से अधिक है, अर्थात उतना पुअर नहीं है जितना वो पुअर था लेकिन परफेक्ट ये भी नहीं देता, तो इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो इसका एडवांटेज देखेंगे, कहेंगे कि इट इज़ सिंपल मेथड ओनली आर बी यूज्ड, आर बी क्या है हमारा, आर बी क्या है आप सभी बताइए, बेस रजिस्टर, क्या है बेस रजिस्टर, यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ बेस रजिस्टर यूज़ किया गया है कि आर सी कितना लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे आर सी, ठीक यहाँ पर सिर्फ आर सी और आर बी यूज़ किया गया, कोई और यहाँ पर नहीं यूज हुआ, मतलब सिंपल आर बी से ही हम काम चला ले रहे हैं, आर बी लगा करके हम इसको वैल्यू को फाइंड कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि अभी हम जो वोल्टेज डिवाइडर में लगाएंगे उसमें आर वन आर टू लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ होता है इससे, लेकिन वो एग्जैक्ट क्लियर देता है, वो अच्छी स्टेबिलिटी फैक्टर देता है, इससे थोड़ा हार्ड है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रोवाइड्स नॉट सो गुड स्टेबिलिटी फैक्टर, उतना अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं दे पाता जितना अच्छा हमें एक्वायरमेंट है, जितना अच्छा हमको चाहिए उतना अच्छा नहीं दे पाता, बट इसके पहले वाले से ज़्यादा अच्छा देता है, ये फिक्स्ड बेस बायसिंग से ज़्यादा अच्छा होता है कलेक्टर बेस बायसिंग, सो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। चलिए लास्ट थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, जिसे आप पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर सेल्फ बायसिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, अगर चाहे सेल्फ बायसिंग दिया जा सकता है,
पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग दिया जा सकता है या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग दिया जा सकता है। आप तीनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते, मतलब आप जानते रहिए तीनों नाम है इसके, तीनों में से कोई सा भी दिया जा सकता है, आप उसके बारे में सेम लिखेंगे। लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले अगर जितने भी नए यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अगर हमारी फैमिली मेंबर नहीं बने हैं अभी तक, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्द जल्द सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए आप जाइए तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब नाउ, तुरंत के तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे, मतलब विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के फैमिली मेंबर आप जुड़ जाएंगे जितने भी नए स्टूडेंट हैं, और बेल आइकन दबाइए जरूर। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक का टारगेट बढ़ाते हुए आप लोग ये बताइए कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं जितने लोग लाइक किए रहते हैं तो ये समझ में आता है हाँ इतने लोगों को समझ में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग फटाफट से लाइक का टारगेट बढ़ाइए, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए हम समझ लेते हैं, यहाँ पर I1 और I2, या फिर आप बता सकते हो यहाँ पर जो आपका यूज हुआ है R1 एंड R2, I1 I2 तो बाद में देखेंगे, जो हमारा यूज हुआ है R1 R2, ये रजिस्टर है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर रजिस्टर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर रजिस्टर। आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, सॉरी पॉइंट लिख लेंगे, जो R1 और R2 है, R1 एंड R2, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर रजिस्टर। पोटेंशियल डिवाइडर रजिस्टर मतलब R1 और R2 क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर रजिस्टर। इधर से हमारा कुछ करंट आ रहा था, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं VCC जब हमने जोड़ा तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के पश्चात कुछ भी मान लो I करंट फ्लो हो रहा था, करंट जो फ्लो हुआ तो वो हमारा कुछ टर्मिनल तो हमारा IC में चला गया, मतलब कलेक्टर टर्मिनल में चला गया, आगे हमारा कुछ करंट बचा जिसको हमने नाम दे दिया I1, जो कि R1 से होकर के जाता है। अब यहाँ पर I1 पहुँचा, अब यहाँ पर जब I1 पहुँचा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट पर जब I1 पहुँचा तो दो सेक्टर यहाँ से फिर अलग अलग डिवाइड है, मतलब दो सर्किट अलग अलग डिवाइड है, एक हमारा इस तरफ चला जा रहा है, दूसरा हमारा इस तरफ चला जा रहा है, तो I1 में से ही दोनों बट रहे हैं। तो इधर जो जा रहा है उसका नाम हमने रख दिया IB, तो इधर जो जा रहा है वो कितना बचेगा? I1 में से IB तो निकल गया ना, तो इसका नाम हमने I2 रखा, तो I1 माइनस IB ये रख सकते हैं। बात क्लियर हुई ना सबको? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये I2 है आपका, ये हमारा I2 है, ये हमारा I2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये I2 करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, मिस प्रिंटिंग है, उसमें I1 लिख दिया गया, सो डोंट वरी। अब चलते हैं हम इसमें पॉइंट वाइज भी मान सकते हैं, हम इसमें पॉइंट अगर डिनोट करना चाहें तो पॉइंट आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने मान लिया 1, इसको मान लिया 2, और इसको मान लिया 3, 4 और 5, 6, 7 और 1। इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट डिनोट हुआ है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे KVL। चलिए KVL अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज ला इन सर्किट, कौन से सर्किट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पहले हम बाहर सर्किट में अप्लाई कर लेते हैं, किसमें? इन सर्किट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, यहाँ पर ये कामा नहीं रहेगा, इस सर्किट में हम क्या करेंगे? KVL अप्लाई कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब बाहर सर्किट में हम KVL अप्लाई करते हैं। चलिए KVL अप्लाई कीजिए, तो अब आ गया कितना वो लगाते हैं। जब आप लोग KVL अप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, VCC जो है इधर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव VCC ठीक, माइनस आगे चल के जब हम यहाँ पर पहुँचे, इसे मूव करते हुए इस सेक्शन पर पहुँचे, क्योंकि आपको इधर तो जाना नहीं है, इधर आपको जाना नहीं, आप आगे जाएंगे, इस प्रकार आप मूव करेंगे, इधर तो कोई भी इस सर्किट में कोई सा भी हमारा रजिस्टर नहीं लगा है, हम ऐसे आगे चलेंगे, इस वाले टर्मिनल में देखेंगे, इस वाले टर्मिनल में कौन सा I1 करंट फ्लो हो रहा है और R1 रजिस्टर है, तो क्या होगा? आने के पहले पॉजिटिव, जाने के बाद निगेटिव, क्या हो जाएगा? माइनस I1 R1। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए
हमको इधर तो जाना नहीं, हम बढ़ेंगे इधर R2 की तरफ, R2 की तरफ बढ़ेंगे तो हमें करंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है I1 - IB। तो ये आने के पहले पॉजिटिव, जाने के बाद निगेटिव, क्या हो जाएगा माइनस में I1 - IB R2। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई भी हमारा ना तो वोल्टेज मिल रहा है, ना तो यहाँ कोई रजिस्टर है जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे, तो I1 R1 लगेगा, कोई भी रजिस्टर इधर नहीं है, तो हम इक्वल टू करके 0 लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। हम इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा VCC - I1 R1। ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा IB R2 इक्वल टू में 0। सिंस I1 जो है ये IB से बहुत बड़ा है, I1 जो है, क्योंकि I1 जो टर्मिनल यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था, ये IB जो है, क्योंकि बेस में जो करंट फ्लो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो IB से बहुत बड़ा है I1। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे, सिंस I1 इज मच ग्रेटर देन IB, IB से बहुत बड़ा है। जब IB से बड़ा है तो आप करोगे क्या, उसको हटा दोगे, उसको आप निगलेक्ट कर दोगे, तो निगलेक्ट कर दीजिए, तो उसे निगलेक्ट करने पर तो आप मिले क्या, VCC - I1 R1 - I1 R2, ये वाला टर्मिनल हमारा निगलेक्ट हो जाएगा इक्वल टू में 0। बचा क्या, VCC, क्या मिला हमें, VCC माइनस, यहाँ पर देखिए I1 हमारा कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा R1 + R2, क्योंकि माइनस I1 कॉमन लिए इक्वल टू में 0। इसको आप उस साइड भेज दीजिएगा, इसको आप भेजेंगे VCC इज इक्वल टू, ये बचेगा I1 R1 + R2। यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको VCC / R1 + R2। क्लियर, ये मिला हमको I1 की वैल्यू। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से I1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हम जानते हैं V = IR होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, हम V2 इक्वल टू I2 R2। I2 की वैल्यू आप सभी को मालूम कितना, I1 - IB × R2। ठीक, आप सभी जानते हो I1 जो है अभी से काफ़ी बड़ा है, ये ऊपर भी हमने दिखा दिया, ये देखो, तो बार बार नहीं दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर मिले क्या हमको I1 R2, V2 की वैल्यू। ठीक, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर जो आई है, I1 की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे, तो I1 की वैल्यू आप पुटअप जब करेंगे तो मिले क्या आपको इधर VCC / R1 + R2 × R2, ये वैल्यू आपकी आई V2 की, ये वैल्यू आपकी आई V2 की। इसे आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर, अब आप लोग KVL अप्लाई करेंगे इस वाली सर्किट में, ये वाली सर्किट में आप क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग KVL लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग केवल, इसका नाम क्योंकि ये है बेस, इसका नाम बी रख देते हैं, ये है हमारा इमीटर, इसका नाम हमारा होता है ई, इसका नाम होता है ई, तो लिख लेंगे यहाँ पर अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज ला इन क्लोज मेस या सर्किट बोल सकते हैं, किसमें 5BE765। इस मेस में हम क्या करेंगे, KVL को अप्लाई करेंगे। अब KVL को अप्लाई करके देखिए कितना आएगा, पहले यहाँ पर VBE मिलता है तो ये कितना मिलेगा, आने पहले पॉजिटिव जाने के बाद निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस में VBE। फिर आगे मिलेगा हमको क्या, आगे हम चलते हैं RE की तरफ, RE में हमारा करंट फ्लो रहा IE, तो RE के पहले पॉजिटिव जाने के बाद निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस में IE RE, क्योंकि ये वोल्टेज होता है ना V = IR। फिर आगे हम चलते हैं मूव करते हुए चलते हैं तो देखिएगा ऐसे मूव करते हैं, बट देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इधर हम मूव कर रहे हैं इधर से इधर की ओर, करंट का डायरेक्शन हमने पहले ही इसीलिए लगाया है,
करंट जिधर जाता है उधर पॉजिटिव, जब जाकर निकल जाता है तो उधर निगेटिव। हम चल रहे हैं इधर, तो हम चल रहे हैं जब इधर, तो हम चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ आगे, तो ये आगेगा पॉजिटिव। ठीक, हम इधर देख रहे थे करंट का डायरेक्शन भी इधर था, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, हम इधर ही आ रहे थे तो निगेटिव लगाए। बट ये करंट डायरेक्शन इधर है, हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना हुआ I2R2 होगा कि नहीं होगा भाई, I2R2 होगा। और फिर और तो कुछ हमारा नहीं है ना, इक्वल टू में जीरो, तो ये मिलेगा हमको माइनस VBE माइनस में IERE प्लस में I2 की वैल्यू हमारी है I1 माइनस IBR2 इक्वल टू में जीरो। सिंस IB जो है I1 से बहुत छोटा है, इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो मिले क्या हमको माइनस VBE माइनस में IERE। देखिएगा एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं माइनस VB को इसी प्रकार लिख दिए हैं बेस वोल्टेज, कहीं कहीं हम इस प्रकार भी लिखे हैं BE, उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग जब भी पेपर लिखेंगे एक ही तरह से लिखेंगे, कहीं कहीं हमने स्माली कैपिटल लिख दिया है तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया तो उतना आप लोग समझदार हो। ठीक, माइनस IERE इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो मिले क्या हमको सिर्फ प्लस I1R2, क्योंकि IB को हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो IB है वो लेस देन I1, वो I1 से काफ़ी छोटा है, इसलिए हमने वहाँ पर हटा दिया। ठीक, अब क्या कहेंगे आप, माइनस में VBE माइनस में IE की वैल्यू होती है IB प्लस IC RE प्लस में I1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या होता है VCC इंटू में R2 है ही, R2 अपान R1 प्लस R2 हम लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आने की कोई बात ही नहीं है भाई, I1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकालो। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हमारा R2 इक्वल टू में जीरो। और I इक्वल टू IB प्लस IC होता है, ये सबको मालूम है, पहले से ही जानते आए हो। यहाँ पर अगर नहीं मालूम तो लिख भी लो, सिंस I इक्वल टू IC प्लस IB। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर, कितना बना, टू बना, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेंगे। और इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, निगेटिव से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करा दो, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चे क्या हमको VBE प्लस में ये क्या हो जाएगा IBRE, भाई निगेटिव था, निगेटिव जब हमने माइनस से दोनों पक्षों मल्टीप्लाई करा दिए तो प्लस हो गया, प्लस में ICRE प्लस में VCC इंटू में R2 अपान R1 प्लस R2 इक्वल टू में जीरो, इस प्रकार हो गया। क्योंकि जो IB है वो बहुत छोटा है, सिंस IB बहुत छोटा है तो ये इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे, IB बहुत छोटा है तो हमें इसको भी हम क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो हमें मिले क्या VBE प्लस ICRE प्लस में VCC R2 अपान R1 प्लस R2 इक्वल टू में जीरो, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर फोर। किसी को यहाँ तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबको। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे, इस वाले सर्किट में हम क्या करेंगे KVL अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने इस सर्किट में अप्लाई किया था, इस सर्किट में, अब आप इस सर्किट में अप्लाई करोगे। चलो अप्लाई करके देखते हैं इस सर्किट में, तो लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन सर्किट या क्लोज मेस सर्किट। कौन सा सर्किट का नाम है इसका, 1, 2, 3, इसका नाम सी है क्योंकि ये कलेक्टर है ना, इसका नाम क्या होता है सी, और इसका नाम इमिटर है, इसका नाम ई, और ये बेस है तो इसका नाम बी। 1, 2, 3 सी E7 1, इस प्रकार से सर्किट में हम क्या करेंगे KVL अप्लाई करेंगे। इधर हम ये निगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, हम इधर चल रहे हैं इस प्रकार से, तो ये क्या होगा प्लस में VCC, इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आने करंट इधर मूव कर रहा है ना, आने के पहले पॉजिटिव, जाने के बाद निगेटिव, जब ये निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव ICRC
ठीक, आगे चलेंगे तो वही कंडीशन, यहाँ भी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, माइनस में आई ई आर ई, ठीक क्लियर हो रहा है। अब एक यहाँ पर करेंट, सॉरी एक हमारा वोल्टेज भी यहाँ पर यूज हुआ है, कौन सा, वी सी ई, ये देख रहे हो ये वाला वोल्टेज किसके किसके बीच में, कलेक्टर और इमिटर के बीच में, तो ये वाला वोल्टेज भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में वी सी ई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमें मिले क्या, वी सी सी माइनस में आई सी आर सी, माइनस में आई की जगह पर लिखेंगे आई सी प्लस आई बी आर ई, माइनस में वी सी ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई बी बहुत छोटा है इसलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो मिले क्या हमको वी सी सी माइनस में आई सी आर सी माइनस में आई सी आर ई, क्योंकि आई बी बहुत छोटा है, बहुत कम है बेस करंट, इसलिए हम उसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, माइनस में वी सी ई इक्वल टू में जीरो। यहाँ से हमारा आई सी कॉमन हो रहा है, तो वी सी सी वी सी सी माइनस में आई सी हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, मिले क्या हमको आर सी प्लस में आर ई माइनस में वी सी ई इक्वल टू में जीरो। अगर हम यहाँ से वी सी सी की वैल्यू निकालना चाहें या वी सी ई की वैल्यू निकालें, वी सी को उस साइड भेज दीजिए, तो ये मिले कि हमको वी सी सी माइनस में आई सी आर सी प्लस आर ई इक्वल टू में वी सी ई, यह हमारा वी सी ई की वैल्यू। इसे हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर चार तक बनाए, क्वेश्चन नंबर पाँच इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। अब आप देख पा रहे हैं आपने वी सी ई की वैल्यू भी निकाल लिया, मतलब ये जो हम कल वोल्टेज लगाए थे इसकी वैल्यू भी निकल आई, आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं वी टू की वैल्यू भी निकल आई, आई वन की सबकी वैल्यू आपने निकाल लिया बारी बारी से। अब आपको निकालना है स्टेबिलिटी फैक्टर, आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए आप आई बी पान आई सी मालूम होना चाहिए, लेकिन आई बी हमने सब जगह कट कर दिया, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी बचा के रखा है, यहाँ पर आई बी है, आई बी पान आई सी वहाँ से हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन करके। यहाँ पर आप लोग हेड डालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, इवन आप कोई से भी जैसे आप यहाँ से भी देखो, जब यहाँ पर आई बी मिला था ना, यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आई सी के टर्म में हम इक्वेशन थर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन थर्ड है क्या आखिर, पहले तो वो जान लेते हैं हम, इक्वेशन थर्ड ही पहले लिख ही लेते हैं। इक्वेशन थर्ड आपने ये देखा, इक्वेशन थर्ड आपको मिला था कुछ इतना, माइनस वी बी, हमें याद है वैल्यू, हम आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं डायरेक्ट, इक्वेशन थर्ड आपको मिला क्या था, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस वी बी, नहीं तो अगर आप देखना चाहो देख कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी लोग सोचेंगे कुछ इधर उधर हो गया क्या, माइनस आई बी प्लस आई सी माइनस आई बी प्लस आई सी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रहा है ना, माइनस आई बी प्लस आई सी, ये कुछ इतना, माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू में आर ई प्लस में ये हमारा वी सी सी डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू में आर टू इक्वल टू में जीरो। यही हुआ है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, यही था हमारा कितना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए मिलेगा कितना उसको हम देख लेते हैं। जब हम इसको करेंगे आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा आपको समझ में आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, माइनस आई बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी आई बी अपान डी आई सी, और IC का कितना हो जाएगा, वन इंटू में आर ई इंटू में आर ई प्लस में, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमारा टोटल जीरो इक्वल टू में जीरो। तो मिला क्या हमको, माइनस डी आई बी डिवाइड बाई डी आई सी माइनस में वन, सो सॉरी आर ई से भी मल्टीप्लाई कराएंगे ना, आर ई माइनस में आर ई इक्वल टू में जीरो, हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आर ई को उस साइड भेज दीजिए, मिलेगा हमको डी आई बी अपान डी आई सी आर ई इक्वल टू में आर ई, हमारा इस साइड चला गया, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस से। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डी आई बी अपान डी आई सी, हम क्या करेंगे डी आई बी अपान डी आई सी निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा, ये आर ई नीचे चला जाएगा, तो आर ई अपान
ये माइनस वाला टर्म भी नीचे चला जाएगा, आर ई, तो आर ई सारी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा माइनस वन। हम जाते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए, एस की वैल्यू कितनी आती है, बीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी, यही तो वैल्यू होती है। हम आगे लिखेंगे बीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस बीटा, और डी आई बी अपान डी आई सी वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस वन, माइनस वन ये हमें मिला, बीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन, माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के पश्चात कैंसिल आउट हो जाएगा, और देख पा रहे हैं ये वाला हमारा कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने के पश्चात हमें मिला क्या, यस इक्वल टू वन, विच इज ए गुड स्टेबिलिटी, क्योंकि अच्छी स्टेबिलिटी कही जाती है, स्टेबिलिटी सबसे अच्छी स्टेबिलिटी यही होती है, बेस्ट स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। इसका एडवांटेज जो था, इसका जो एडवांटेज था, डिसएडवांटेज तो इसमें बोलेंगे ही नहीं, एडवांटेज क्योंकि इसके एडवांटेज के आगे इसकी कमियां छुप जाती, जैसे कोई बहुत अच्छा मनुष्य है उसके अच्छाई पर उसकी कमियां छुपा दी जाती हैं सभी के द्वारा, भाई होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो थोड़ा सा अगर गलती कर गया लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है। इट प्रोवाइड वेरी गुड स्टेबिलिटी फैक्टर, वेरी गुड स्टेबिलिटी फैक्टर, यही हमको चाहिए भी, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, फटाफट से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ें से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।